इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह जियो फोन में कॉन्टेक्ट नंबर को सिम मेमोरी में किस तरह सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक नंबर लेता हूँ, मुझे इस नंबर को सिम मेमोरी में सेव करना है। तो नंबर इंटर करने के बाद आपको ऑप्शंस में जाना है, उसके बाद आपको क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट करना है। फिर आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, फोन मेमोरी सिम मेमोरी। तो मुझे इस नंबर को सिम मेमोरी में सेव करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर नेम इंटर करता हूँ। मैंने नेम इंटर कर लिया और अब सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह आप कॉन्टैक्ट नंबर को सिम मेमोरी में सेव कर सकते हैं।